तो हेलो फ्रेंड्स, आज किस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को पता नहीं है कि एक गूगल एडसेंस अकाउंट से दो दो यूट्यूब चैनल कैसे रन करते हैं, कैसे चलाते हैं एंड दोस्तों कैसे दो गुना यानी कि डबल पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, यदि आप लोगों के पास एक चैनल है ऑलरेडी और एक एडसेंस अकाउंट है और यदि एक चैनल और बनाते हैं आप लोग, उस नए चैनल के लिए आपको अलग से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यदि आप लोगों के पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है, फ्रेंड्स आप केवल एक गूगल एडसेंस अकाउंट का यूज करके दो यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों, आपको दो यूट्यूब चैनल कैसे रन करना है, एक गूगल एडसेंस अकाउंट से आपको दूसरा चैनल जो कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, आपके दोनों यूट्यूब चैनल का पैसा एक ही गूगल एडसेंस में आए, ऐसे आपको सेटिंग कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही चीज़ जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपके चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा जो कि एक मेन चैनल रखते हैं और दूसरा साइड में चैनल रखते हैं, और वो चैनल दोस्तों उनका ब्लॉग वाला हो सकता है, कॉमेडी वाला हो सकता है, कोई और भी चैनल हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों वो दो दो तीन तीन चैनल चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि ये तीन चार चैनल चलाते हैं या फिर दो चैनल चलाते हैं, तो ये लोग क्या एक एडसेंस से ही दो चैनल चलाते हैं या फिर हर चैनल के लिए अलग से एडसेंस बनाते हैं। मेरे पास भी दो चैनल है, ये मेरा मेन चैनल हो गया और दोस्तों जो दूसरा चैनल है मेरा ब्लॉग वाला चैनल है, एंड उस चैनल की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ तो मैं भी एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट से अपने दोनों चैनल को रन करता हूँ और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल का पैसा इसी एक गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है। दोस्तों, ये हम लोग करते कैसे हैं जो सभी बाकी यूट्यूबर्स होते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल वो लोग करते क्या है कि अब दूसरा चैनल भी वो लोग बनाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, और उस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जब भेजते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है। जब आपने अपने चैनल को पहली बार रिव्यू में भेजा होगा तो वहाँ फ्रेंड्स वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। तो यदि आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है तो आप लोग यस करते हैं, और गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं रहा होगा तो आपने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। अब दोस्तों, दूसरी बार होता क्या है कि जब आप मोनेटाइजेशन में भेजते हैं अपने दूसरे चैनल को, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरी बार सेलेक्ट करते हैं कि यस हमारे पास एक ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट है, क्योंकि हमारे पास एक अलग से गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है उसका वीडियो मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, तो उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी।